बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया आज अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी और इसके लिए वो HN रिलायंस हॉस्पिटल भी पहुंच चुकी हैं। अगर आज आलिया अपने बच्चे को जन्म देंगी तो ये खबर उनके चाहने वालों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि वो नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में बच्चे को जन्म देने वाली हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर और आलिया के हॉस्पिटल पहुंचने की कई फोटोज और वीडियोज भी सामने आई हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनकी डिलीवरी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं उनका HN रिलायंस हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए नाम भी रजिस्टर करवा दिया गया है कि वही अस्पताल है जहां ऋषि कपूर भर्ती थे और उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। हाल ही में आलिया की गोद भराई की रस्में हुई थी। इस सेरेमनी में बी टाउन के कई सेलिब्स शामिल हुए थे। रस्मों में भट्ट और कपूर खानदान कपल को उनके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा था। इस गोद भराई की कई फोटोज आलिया ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की थी। रणबीर और आलिया ने इसी साल 14 अप्रैल को परिवार और कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। 2017 में फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद कपल ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। एक दूसरे को 5 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने इस साल शादी कर ली। 27 जून को आलिया ने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की थी। आलिया ने हॉस्पिटल की फोटो शेयर कर लिखा था, हमारा बेबी जल्द आ रहा है। फोटो में वो अल्ट्रासाउंड करवाती नजर आ रही थी, जिसमें उनके पति रणबीर भी साथ में नजर आ रहे थे। रणबीर और आलिया की बात करें तो दोनों आखिरी बार फिल्म ब्रह्मास्त्र में साथ में नजर आए थे।